देखते ही देखते 54 दिनों का ये लॉकडाउन आखिर खत्म हो ही गया। हाँ, मैं जानती हूँ, बरसों से कैद हुए पक्षी की तरह हम सभी के पर इन सफेद आसमानों में उड़ना चाहते हैं, अपने अंदर दबे हुए अधूरे सपने को पूरा करना चाहते हैं, दोस्तों और यारों से मिलकर अरमानों को जीना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच इस जोश में वो खौफनाक वायरस की मौजूदगी को अनदेखा कर देने की गलती हम नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए जरूरी है अपना ख्याल रखना। कुछ दिनों के लिए ही सही, कम से कम 6 फुट की दूरी, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज पहुंचने के बाद या अपने ही महफूज घर में भी घुसने से पहले साबुन और पानी से हाथ धोने की आदत तो हम भुला नहीं सकते ना। हैंडशेक को त्याग कर नमस्ते की परंपरा को फॉलो करना होगा। खांसते या छींकते वक्त मुंह को ढकने की अच्छी आदत डालने का पालन करना होगा, क्योंकि जरूरी है अपना ख्याल रखना। कितनी आश्चर्य की बात है, लॉकडाउन के दौरान हमारे साथी मोबाइल फोन को लॉकडाउन के बाद कम से कम इस्तेमाल करना होगा, वरना क्या पता वायरस आपके हाथों के थ्रू आपके शरीर में घुस जाए। भंजारों के लिए उनकी टेंट से की अहमियत से भी ज़्यादा हमारे लिए फेस कवर्स, सैनिटाइजर्स, हैंड सोप, ग्लव्स, टॉयलेट सीट सैनिटाइजर्स और टिश्यू पेपर्स की अहमियत बढ़ने वाली है। अगर आप डेड निमोनिक को फॉलो नहीं करोगे तो यार, धरती के भगवान भी आपको डेथ से नहीं बचा सकते। डेड यानी कि डिजिटल इंडिया, ईट हेल्दी, अवेयरनेस एंड डिसइंफेक्ट ऑब्जेक्ट्स। याद रखना, लॉकडाउन में छूट मिली है, इस जंग में नहीं, इसीलिए अपना और अपनी जान पहचान वालों का ख्याल रखना।